नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सुनील डैंग एक बार फिर एफपीआरटी के माध्यम से आपसे मिल रहा हूं और एफपीआरटी की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो दिन रात इस काम में लगी हुई है। स्पेशल थैंक्स टू श्री राजेश भाई जो इस संस्था के प्रेसिडेंट है। एफपीआरटी की टीम इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे आइडिया और इनिशिएट मार्केट में दे रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है, इसको थोड़ा समझना है। हम कहीं पे पिता हैं, कहीं बेटे हैं, कहीं भाई हैं, कहीं बहन हैं, कहीं हम इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद भी हमें अपनी हर जगह अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों, हमारी को परमात्मा ने सब कुछ दिया है और सब कुछ अगर सीधा बैलेंस चलता रहे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मेन होता है इस दुनिया में हमें चीज़ों को बैलेंस करना होता है और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ हो या ना हो लेकिन मौत एक अटल सत्य है। वो कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन मौत के आने से पहले अगर हम वो सिक्योरिटी परचेज कर लेते हैं तो जो भी हमारी प्लानिंग है अपने परिवार के प्रति या फैमिली के प्रति वो सारी पूरी होती हैं। हम बिना डर के जीते हैं। हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार की देखरेख करना, अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना और उसके बाद अपनी पेंशन का ध्यान रखना। दोस्तों, आज इंश्योरेंस को लेके मार्केट में मिथ है कि इंश्योरेंस रिटर्न नहीं देता। इंश्योरेंस रिटर्न नहीं है इंश्योरेंस में, इसलिए ज्यादा लोग इसमें पैसा नहीं घुसते। क्यों नहीं डालते पैसा, वो इसमें इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और इन्वेस्टमेंट तो ये है ही नहीं, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस से हमेशा हमारे परिवार की सुरक्षा मिलती है, उससे इन्वेस्टमेंट का मानना ही गलत है। आपका परिवार सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आप देखिए, जिस दिन से आप यहाँ अपना सुरक्षा खरीद लेते हैं अपने मंथली एक्सपेंसिस की, अपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, आप उसी दिन से एक पीस ऑफ माइंड में आ जाते हैं, एक फुलफिलमेंट में आ जाते हैं। अदरवाइज तो आदमी अपने आप को चाहे कुछ भी बोले, किसी को कुछ भी बोले, एक अधूरेपन में ही रहता है और बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन चलती रहती है। दोस्तों, जो मिथ हमने लगा के रखा है कि इंश्योरेंस कुछ नहीं देता, इंश्योरेंस कुछ नहीं देता, हमने देखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अगर आप सिक्योरिटी के माध्यम से जिस दिन देखेंगे आपको लगेगा इंश्योरेंस ही सब कुछ देता है। आप अपने बिजनेस में 100% लगाते हैं, मान लो आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो आपको 120% हो जाता है आपका पैसा। अगर आप उसमें से 95% अपने बिजनेस में लगाएं और 5% मात्र अपना इंश्योरेंस में लगाएं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 95% पे 20% लगाओ और 5% पे आप 6% लगाओ, एवरेज लग के आपका जो प्रॉफिट है 117-118% के आसपास आ जाएगा और सुरक्षित भी होंगे और प्रॉफिट भी आएगा। दोस्तों, कई बार हम लोग इंश्योरेंस एडवाइजर से नफरत करते हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं, हमें लगता है ये पीछे पड़ गया है। इंश्योरेंस एडवाइजर कई बारी आप देखो उनको चीजों को प्रेजेंट करना नहीं आता, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है आपके प्रति। वो चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित हो, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को हमेशा पढ़ाया जाता है कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक अवेयरनेस को पहुंचाना, लोगों को बताना कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या क्या कर सकती है। इंश्योरेंस टेलर मेड पॉलिसीज भी बनाती है। पहले वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक पैसा दिया और 20 साल बाद ले लो, नहीं, आज आपको जब जब जितना पैसा चाहिए आप उस हिसाब से अपनी टेलर मेड पॉलिसी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए, उनका बेटा बहुत कमज़ोर था, तो डॉक्टर को दिखाया कि ये कमज़ोर है और इसको खाया पिया लगता नहीं है, क्या करें। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी और बोला कि थोड़ी कड़वी है, अगर ये खा लेगा तो जल्दी ही आराम आ जाएगा। पेरेंट्स ने पहले से ही मान लिया कि ये दवाई कड़वी है तो इसको खिलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, जब भी उसको दवाई खिलाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ
उसको टाइट पकड़ते थे और उसका मुंह दबा के उसमें वो चम्मच से दवाई इनपुट करते थे। और ये सिलसिला रोज चलता था और एक मतलब जद्दोजहद में वो दवाई उसके अंदर जाती थी रोज। एक दिन ऐसे करते करते वो चम्मच उसके हाथ से गिर गया, फादर के हाथ से। अब नीचे गिरा हुआ चम्मच से दवाई कैसे देते, वो किचन में जाके दूसरा चम्मच लेने गया, आके देखता है बच्चे ने दवाई की बोतल को मुंह लगा रहा हूँ। तो फादर हैरान कि कहते हैं यार हम तो तेरे को पिलाते थे तो दवाई पीता नहीं था, अब तू खुद बोतल उठा के पी रहा है। तो बच्चे ने बोला मुझे दवाई पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम पिलाते हो ना मुझे उसमें इतराज है। ऐसे ही इंश्योरेंस एडवाइज़र जब आपको रिप्रेजेंटेशन देते हैं या प्रेजेंट करते हैं कोई भी पॉलिसी, उनकी प्रेजेंटेशन में कई बार कमी हो सकती है लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं है। दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें मिलती हैं, उनसे बात करें, उनसे समझें कि हम अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कौन सा इंश्योरेंस लें ताकि ये चीज़ कभी हर्ट ना हो, हमारी हमारे परिवार को हमारे पीछे से कभी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, किसी के आगे पैसे के लिए तो एटलीस्ट हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों आज अगर ये एडवाइज़र आपके पास आ रहे हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि बार बार वो आपके मना करने पे भी आपको नोक करते हैं। तो आप ये देखो वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और आप भी अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। जिस दिन से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं आपके लाइफ में पीस और खुशियाँ भर जाती हैं, आप एक फुलफिलमेंट की तरह आप इनर बीइंग से लोगों से बात करते हैं और जो लोग आपसे बात करेंगे वो भी एक मतलब फले फूले इंसान से बात करेंगे, उन्हें भी पता लगेगा। तो दोस्तों शुरुआत आप ही अपने से करें और इस चीज़ को इग्नोर ना करें और ज़रा विजुलाइज करके देखें कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी कर सकता हूँ, इसकी सुरक्षा कैसे ले सकता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी ही है जो आपकी आगे की 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल जितना भी चाहते हो उसकी इनकम को सिक्योर कर सकती है और लाइफ टाइम आपको पेंशन दे सकती है। और हमारी विडंबना देखो, हम लोग इंश्योरेंस वाले को ही इग्नोर करते हैं। आप उसकी प्रेजेंस या उसकी प्रेजेंटेशन पे मत जाओ, उसकी इंटेंशन पे जाओ, वो क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं। जब दोनों की वेवलेंथ मैच करेगी तो ये इंश्योरेंस भी आपके लिए फायदेमंद होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू FPRT टीम एंड थैंक यू लिसनर। गॉड ब्लेस यू ऑल।